क्या हालचाल है भाई लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन आ जाइए स्वागत है आप सबका ओके चलिए गॉड ब्लेस यू ऑल जय श्री कृष्णा जय हिंद लव यू ऑल जय श्री राम बेटा आइए ये स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से चलिए मुझे बताइए होमवर्क किया है क्या होमवर्क किया है क्या बताइए बताइए होमवर्क किया है क्या कॉपी में तो कुछ खास होमवर्क नहीं है कॉपी में तो कुछ खास होमवर्क है नहीं बताइए यहां का आंसर क्या है यहां का आंसर आ जाएगा वन ग्रेटर देन टू न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी यही बेसिसिटी का भी यही ये कॉपी में हल्के हल्के क्वेश्चन थे न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी का जबकि यहां पर टू ग्रेटर दैन वन था न्यूक्लियो का एंड वन ग्रेटर दैन टू था बेसिसिटी का क्लियर है या नहीं गॉड ब्लेस यू अंकित ढेर सारा प्यार आपको वन ग्रेटर दैन टू 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 वन ग्रेटर देन टू सही है या नहीं बताइए जल्दी से ये हो गया था क्या आपको याद है हमने मैच अलग अलग ग्राउंड में कर लिया था हमने अलग अलग ग्राउंड में मैच कर लिया था सही है या नहीं चलिए पोला प्रोटिक पोला प्रोटिक सब कुछ ये हमने कर लिया था और अब आएगा मजा तैयार हो आप तैयार हैं अब हम स्टार्ट करेंगे एल्काइल लाइट के सेगमेंट को अभी हम पढ़ रहे थे आ, हल्की फुल्की चीजें टाकिंग रीजनस के बारे में बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे पहले क्लियर मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि आखिर इस चैप्टर को हम किस तरीके से पढ़ेंगे क्या रूपरेखा होगी पूरे स्ट्रक्चर की पूरे चैप्टर की मेरे भाई जरा ध्यान से देखें जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम अभी कार्बोकेटायन की हैडिंग डालेंगे इसका मतलब क्या है यह भी आप जानिए कार्बो केटाइन की हेडिंग का मतलब यह हो गया अब हम हर वो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं हर वो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में कार्बो केटायन बनेगा सुन रहे हो आप हम हर वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें रिएक्शन के बीच में कार्बो केटायन इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा जरा ध्यान से सुनिए समझ रहे हैं आप रिएक्टेंट से कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन से प्रोडक्ट तो अब इस चैप्टर में हमारी हेडिंग क्या होगी यह सुनिए पहली हेडिंग होगी जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन कि हम कार्बोकेटाइन को जनरेट कैसे करते हैं पहले हम इतना सीखेंगे टायन बनता कैसे है ठीक है और उसके बाद सेकेंड पार्ट सीखेंगे रिएक्शन स्टोन बाय कार्बोकेटाइन। अब मुझे बताओ जब तुम ये दोनों चीज सीख जाओगे तो क्या तुम पूरी रिएक्शन सीख जाओगे या नहीं? बताओ जरा क्या तुम पूरी रिएक्शन सीख जाओगे या नहीं सारे बताओ तो आई थिंक आप पूरे स्ट्रक्चर चैप्टर की रूपरेखा समझ चुके हैं हम समझेंगे कार्बोकेटाइन क्या होता है फिर समझेंगे जनरेशन ऑफ केटाइन, कैटायन बनता कैसे है मतलब हर ये रिएक्शन जिससे केटाइन बनता है और उसके बाद हम सीखेंगे कि केटाइन बनने के बाद क्या क्या करता है तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया है ना कि किस तरीके से हम लेकर चलने वाले बहुत अच्छी बात आओ बच्चों अगले दो तीन मिनट एकदम हलवा हलवा बातें करेंगे शुरुआत सुबह सुबह हलवे से करते हैं चलिए कोई मुझे बताएगा कार्बोकेटाइन की डेफिनेशन क्या है क्या यह बहुत सिंपल है कार्बन इंटरमीडिएट कार्बन इंटरमीडिएट कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज सही है आर नोन एज आर नोन एज कार्बो के टैंस कार्बो के टैंस जिन पर प्लस हो उन्हें कार्बो के टैन बोलते सारे लोग देखेंगे कार्बन पर लेकिन क्या लिखा है कार्बन इंटरमीडिएट सही है कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज मेरे राय ध्यान से सुनिएगा दरअसल दो नाम मार्केट में देखने को मिलते हैं दो नाम हैं जो मार्केट में देखने को मिलते हैं। एक है कार्बोनियम आयन कार्बोनियम आयन और एक है कार्बीनियम आयन देखो मगर बोर्ड पर और मुझे बताइए ये।, ये कार्बोनियम ये कार्बीनियम चलो मुझे बताओ कभी कोई ऐसी चीज सुनी है जिसके नाम के आखिरी में ओनियम आता हो बताओ सुना है तो बताओ जिसके आखिरी में नाम में ओनियम आता हो केमिस्ट्री में डैस केमिस्ट्री में इधर उधर नहीं तनिस कह रहे हैं जीओसी की रिक्वायरमेंट होगी हाँ थोड़ी रिक्वायरमेंट तो होगी बधाई ओनियम सुना है डन well आशीष पीयूष प्रत्युष प्रशांत आदर्श हाइड्रोनियम अमोनियम ओ माय गॉड अमोनियम सुनते ही क्या तुम्हारे दिल में ऐसी बात आई या नहीं ध्यान से सुनना क्या अमोनियम में नाइट्रोजन अपनी नॉर्मल वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है या नहीं क्या नॉर्मली नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है लेकिन अमोनियम में चार बना रहा है नॉर्मली ऑक्सीजन दो बनाता है लेकिन हाइड्रोनियम में नॉर्मली ऑक्सीजन दो बनाता हाइड्रोनियम में तीन बना रहा है यानी कि जिसके नाम में ओनियम लग जाता है वो अपनी नॉर्मल वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनाने लगता है आपको कुछ बताना चाहता हूं ध्यान से देखिए मेरे भाई ये है मीथेन आयर में एक एच प्लस आयन आयन कभी गैसियस फेज में नहीं बनते ऐसा कई बुक में लिखा होता है लेकिन उसका सही मतलब होता है ध्यान से सुनना उसका सही मतलब होता है सुन रहे हैं आप उसका सही मतलब यह होता है कि बनना आसान नहीं होता बनना आसान नहीं होता तो आयर में गैसियस फेज का H प्लस ले आऊं गैसियस फेज का भाई साहब वॉटर no, फेज में क्या होता है सुनना वॉटर फेज में किसी भी आयन को वॉटर का माइनस पोल थोड़ा स्टेबलाइज कर देता है H प्लस का मूड खराब कह रहा मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा लेकिन वॉटर का जो नेगेटिव पोल है वो कहता है शांत प्रोटॉन शांत थोड़ा स्टेबलाइज करके रखता है उसके गुस्से पे नियंत्रण रखता है कोई भी आयन पोलर सॉल्वेंट में स्टेबलाइज्ड रहता है लेकिन गैस फेज में कोई लगाम नहीं है H+ प्लस पे खुला आयन और ये खतरनाक होता है वॉयलेंट बिहेव करता है मेरे भाई मीथेन पे तो लोन पेयर नहीं है अमोनिया से रिएक्शन करो लोन पेयर समझ में आता है वॉटर से रिएक्शन करो लोन पेयर समझ में आता है लेकिन ये इतना वॉयलेंटली रिएक्ट करता है कि ये मीथेन से भी रिएक्ट कर जाता है मीथेन से भी रिएक्ट कर जाता है मीथोनियम आयन ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा चलिए जरा देखें बहुत सिंपल सी बात है हाईली अनस्टेबल लेकिन यह हाईली अनस्टेबल लिखने से पहले आप देख सकते हैं क्या ये पेंटावैलेंट है या नहीं पेंटावैलेंट ओके हाईली अनस्टेबल है हाईली अनस्टेबल है हाईली रिएक्टिव है हाईली रिएक्टिव है लेकिन मजेदार बात क्या है गेस इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कंप्लीट ऑक्टेट बहुत ज्यादा रिएक्टिव हाईली अनस्टेबल क्या अभी अभी सब समझाएंगे बिल्कुल पंती नहीं करना पंती नहीं करो गैसियस फेज के प्रोटॉन से बच के रहना नहीं तो तुम भी कहते रह जाओगे मेरे पास प्रोटॉन नहीं है तेर कर लेगा तुम्हारे दो इलेक्ट्रॉन समझ में आया या नहीं वहीं अगर हम बात करें कार्बिनियम आयन की तो ये है सी एच टू नॉन ज कार्बीन और इस पर मैंने एच प्लस डाला ये एक्वस एच प्लस है और आपको मिल गया सी एस थ्री प्लस कार्बीन से मिला है इसलिए हमने इसे कार्बीनियम आयन का नाम दिया है ये नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है जैसा नॉर्मल केट आयन होते हैं बताइए क्या ये केटायन तीन ही बॉन्ड बना रहा है ट्राइवल एंट इन नेचर क्या मानते हो यह भी हाईली अनस्टेबल है हाईली अनस्टेबल ये भी हाईली रिएक्टिव है हाईली, हाईली रिएक्टिव एंड मोजेदार बात क्या है इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट इनकंप्लीट ऑक्टेट इनकम्प्लीट ऑक्टेट अगले पेज पर चलते आइए मेरे भाई अगर हम यहां बात करें एक बात हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की यह है कार्बोनियम आयन वाला यहां हम बात करेंगे ज्योमेट्री की तैयार या नहीं तो आप ज्योमेट्री देखना चाहते हैं तो देखिए मेरे भाई दरअसल तीन एच तो प्लेन में होते हैं एंड जो गैसियस एच प्लस है ध्यान से देखो वो दरअसल बॉन्ड पेयर को शेयर कर रहा है वो दरअसल बॉन्ड पेयर को शेयर कर रहा है ऐसा तुमने जीवन में सुना जरूर होगा जहां थ्री सेंटर हो और टू इलेक्ट्रॉन हो एक दो तीन सेंटर एंड दो ही इलेक्ट्रॉन है तीन सेंटर दो ही इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई ये है आपका कार्बोनियम आयन रही बात ज्योमेट्री की तो आप निश्चित ही इसे ट्राइगोनल बायपिरामिडल बोलोगे मैं आपको इंसान मान लू अगर आप मुझे सही सही हाइब्रिडाइजेशन बता दें आसान नहीं है इंसान की उपाधि मिलना और तुम्हें तो कदापि नहीं बताओ जी अगर आप सही सही हाइब्रिडाइजेशन मुझे बता दें यस नीरज यू आर राइट बहुत अच्छे कचरा निकल गया नीतेश सेकंड कचरा आयुष थर्ड कचरा मेरे भाई ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एस पी टू होगा एस पी टू पहले मैं उन खच्चर लोगों के लिए बताता हूं कार्बन में डी नहीं होता डी और वाइटल कार्बन में होता ही नहीं तो डी वाले पहली फुर्सत में हाँ या ना समझ में आया डी वाले डैश हैं डी वाले डैश हैं क्लियर बात है भैया डी वाले क्या हैं डैश मेरे भाई दूसरी बात आप खच्चर कैसे हो यह साबित करता है क्योंकि मैंने यहां बना रखा है sp2 कार्बन देखें तीनों प्लेन में है और एक पी और वाइटल है एक पी और बाइटल है क्या आप देख रहे हैं कार्बन प्लेनर है ना भाई प्लेनर है ये एंड कार्बन पर एक पी और बाइटल ये एस पी टू ही तो है चलिए बधाई हो और मैं आपको लेकर चलता हूं वैलेंट वाले की तरफ ट्राय वैलेंट वाले की तरफ चलो जल्दी इसका बीपी चेक करेंगे कह रहा क्या जबरदस्त टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि टायन का क्या बीपी चेक कर लिया जाता है हाँ भाई हाँ बीपी बोले तो पेयर पीछे रहा ओ माय गॉड मैं बॉइलिंग पॉइंट समझ रहा था पीछे रहा हम तो ब्लड प्रेशर समझ रहे थे अनपेयर्ड यूपी बीपी भी चेक करेंगे यूपी भी चेक करेंगे पेयर एलपी भी चेक करेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक मोमेंट एमएम ये भी चेक करेंगे स्पिन मल्टीप्लीसिटी ये भी चेक करेंगे एस एम पेयर तीन अनपेयर जीरो लोन पेयर जीरो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला तो याद ही होगा एनयूपी होता है एनयूपी एम यूपी है यूपी मेरे भाई मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला बताता हूं ये होता है टू मॉड एस प्लस वन और एस क्या होता है एस होता है स्पिन क्वांटम नंबर सुना तो होगा इफ यूपी जीरो है तो एस जीरो हो जाता है अगर यूपी वन है तो एस हाफ हो जाता है ए यूपी अगर ये देखिए प्लस माइनस हाफ कुछ भी होगा आ प्लस हाफ और माइनस प्लस हाफ और माइनस हाफ अगर यूपी टू है तो एस प्लस वन या माइनस वन हो जाएगा यू अरे यार तुम लोग बड़े डे हो पता है प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय टू हो जाएगा या फिर माइनस वन बाय टू माइनस वन बाय टू हो जाएगा यूपी अगर थ्री है तो एस वन बाय टू वन बाय टू प्लस वन बाय टू और माइनस वन बाय टू माइनस वन बाय टू चलिए तो मेरे ख्याल से यहां यूपी जीरो है तो एस एम वन आ गया एस एम वन आने से हम अपने इंटरमीडिएट को सिंगलेट बोलते हैं सिंगलेट कार्बन इंटरमीडिएट दो आता तो डबलेट तीन आता तो ट्रिपलेट समझ में आया नहीं ये सब कार्बिनियम के लिए अरे डैश हो क्या ये कार्बिनियम के लिए चल रहा है तुम भी चुनिंदा क्वालिटी के हो ये कार्बिनियम के लिए कार्बिनियम आयन सुन रहे हो डैश ये वाला लेफ्ट वाला जो है ये कार्बोनियम का मेरे भाई मैं आपको एक बात बताऊं ये जो है ये एक्चुअली लेबोरेटरी में बनाया जा चुका है नाम है मिथोनियम आयन यह लेबोरेटरी में बनाया जा चुका है मैं आपसे एक बात कहूंगा आईआईटी के लिए आईआईटी चाहे कार्बोनियम बोले चाहे कार्बिनियम बोले चाहे कार्बोकेट बोले आपको ये वाला कंसीडर करना है आईआईटी डेस्पंती कर चुका है आईआईटी ने कार्बोनियम बोलकर ये दे चुका है लेकिन उसमें किसी का गलत नहीं हुआ था क्योंकि पूछा कुछ और गया था तो वोट आई एम सजेस्टिंग यू कि आप भी ट्रा वैलेंट वाला ही लीजिएगा एक दूसरा आयर क्वेश्चन में कहीं पेंटा वैलेंट की चर्चा है ऑप्शन में क्वेश्चन में तभी आप अपने ज्ञान को वहां पर प्रदर्शन प्रदर्शित कीजिएगा कि हां मुझे आता है अदरवाइज आप समझदार लग रहे हैं चलिए तो ये हमने छोटी छोटी बातें पढ़ी ये बहुत ज्यादा पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है नहीं कार्बोनियम आयन ध्यान से सुने आई ने एक बार कार्बोनियम बोलकर ट्राई वैलेंट दिया हुआ है बट वो किसी का गलत नहीं था आ, क्योंकि क्वेश्चन निकालना कुछ और था तो सबने कहा छोड़ो इस बात को समझ में आया कि नहीं ओके okay, तो दिस इज ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोकेटायन फिलहाल राइट में कार्बिनियम आयन ही चल रहा है तो टेंशन लेना मत मैं राइट वाला राइट में ही लिख रहा हूं इसीलिए ओके चलो इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन आया इसका sp2 इसका बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल 120 ज्योमेट्री मेरे भाई एक मजेदार चीज आने वाली है नल प्लेनर एंड पूरी केमिस्ट्री का फंडा आ रहा है पूरी केमिस्ट्री का दिल थाम कर बैठ जाइए कैन बी ध्यान से सुनना कार्बोकेटाइन क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल आया जाओ, जाओ इसके पास वो होता है या नहीं बिल्कुल होता है हैविंग वैकेंट इलेक्ट्रोफाइल अरे क्या लिख रहा हूं हैविंग वैकेंट और बाइटल तो इसके पास वो था एंड इसी को तुम लुइस एसिड बोल सकते हो अनपेयर्ड नहीं है इसी को डायमैग्नेटिक बोल सकते हो छोटी छोटी बातें लेकिन अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो कैन बी अप्रोच्ड बाय न्यूक्लियो क्या इस पे हमेशा न्यूक्लियो अटैक करना चाहेगा या नहीं आप बताइए इलेक्ट्रो पे कौन अटैक करना चाहेगा न्यूक्लियो अटैक करना चाहेगा न्यूक्लियो अटैक करना चाहेगा एंड पूरी केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट सुनिए सिंस आपने लिखा है ट्राइगोनल प्लेनर तो आपका केटायन मैंने ऐसा पी क्यू आर ये देखिए ये बना रखा मर्सडी साइन ऐसे पड़ा हुआ है ऐसे ये कार्बन ये पी ये पी ये आपका 120 पर क्यू 120 पर आर मर्सडी साइन हाँ ना कैन बी अप्रोच बाय न्यूक्लियो फाइल एंड फ्रॉम बॉथ साइड्स ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये केवल केटाइन के लिए वैलिड नहीं है भाई दुनिया की हर प्लेनर चीज पे कोई अटैक करेगा टॉप अटैक बॉटम अटैक टॉप अटैक बॉटम अटैक चला कह रहा कितनी चीजें मिलेंगे सुनो केटायन प्लेनर है टॉप अटैक बॉटम अटैक रेडिकल प्लेनर होता है टॉप अटैक बॉटम अटैक एल्कीन प्लेनर होता है टॉप अटैक बॉटम अटैक पीछे कह रहा हमने कहीं सुना है लेफ्ट अटैक राइट अटैक अरे भैया ये अल्कीन अगर ऐसी हो तो लेफ्ट अटैक राइट अटैक एक नहीं रहा हमने सुना है फ्रंट अटैक एंड बैक अटैक ऐसी हो फ्रंट अटैक बैक अटैक ऐसा टॉप अटैक बॉटम अटैक ऐसा लेफ्ट अटैक राइट अटैक बात तो बराबर ही है ना यार अरे बात तो बराबर ही है ना यार हम ऐसे मानकर कर रहे हैं टॉप अटैक एंड बॉटम अटैक सुन रहे हो तुम हा ना देख लो ध्यान से हो जाएगा चलिए इसका एक छोटा सा प्रदर्शन में यहां पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से करना चाहता हूं ये एग्जाम्पल है ये सी मान लें ये पी ये क्यों अंदर घुसा हुआ है ये आर ये प्लस एंड इस पर मैंने डाल दिया एक एस माइनस न्यूक्लियो का तो बताओ अगर एस ऊपर से आएगा अगर क्या आएगा ये तो बराबर बराबर है अगर एस ऊपर से आया तो क्या तुम मानते हो पी क्यू आर को नीचे झुकना होगा एंड अगर एस नीचे से आया तो पी क्यू आर को ऊपर की तरफ मुड़ना पड़ेगा देखो मगर ध्यान से क्या तुम्हें मेरा इमेज मिली है या नहीं क्या तुम्हें मेरा इमेज मिली है या नहीं मेरे भाई अटैक टॉप बॉटम होगा अटैक टॉप बॉटम होगा अब यहां दो चीजें भी हो सकती हैं एक भी हो सकती हैं ये मिरर इमेजेस हैं, मिरर इमेजेस थोड़ा सा ऑप्टिकल देख लो इफ एस एन प्रेजेंट अगर एस एन प्रेजेंट है तो एक ही प्रोडक्ट दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे इफ एस एन प्रेजेंट बहुत आर आइडेंटिकल बहुत आर आइडेंटिकल अगर आगे इसमें सिमेट्री आ गई पीओएस एस या सीओएस एस तो आइडेंटिकल हो जाएंगे और इफ एन अब्सेंट, तो बताइए बहुत आर डिफरेंट दो आंसर हैं दो बहुत आर डिफरेंट क्या होगा एनएनसीमर्स रेसमिक मिक्सचर याद आया हम पूरे दोनों के मिक्सचर को रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे यस विक्रांत कह रहा चार प्रोडक्ट तुमने बेटा दो बार क्वेश्चन को देख लिया है इसलिए तुम चुनिंदा क्वालिटी के खच्चर वाली बात कर रहे आइए मेरे भाई रिवीजन है एक तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स में यहां पर बता रहा हूं केट का स्टेबिलिटी ऑर्डर ये जीओसी में पढ़ा था हमने यहां आप देख लीजिए एक सिग्मा रेजोनेंस वाला केटाइन था यह बहुत स्टेबल था डैंड पेट्रोलियम कार्बोकेटाइन दैन ट्राईफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन दैन डाईफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन दैन एल्काइल बेंजाइल कार्बोकेटाइन, केटन कार्बोकेटाइन विद नाइन एल टर्सरी ब्यूटाइल केटन देन बेंजाइल कार्बोकेट इज मोर स्टेबल देन एलाइल कार्बोकेट एलाइल कार्बोकेट इज वेरी क्लोज इन स्टेबिलिटी विद आईसो प्रोपाइल विच इज मोर स्टेबल देन इथाइल कार्बोकेटाइन विच टेबल दैन मिथाइल कार्बो के टैन विच इज मोस्ट स्टेबल कार्बो विनाइल टैन विच इज मोर स्टेबल पीनाइल पिनाइल के एंड विच इज मोस्ट स्टेबल ये हमने जीओसी में लिखा था आखरी के केटन बहुत कचरा है आखरी के केटन बहुत कचरा है यह संकित यू आर राइट ये सब पहले की चीज है हमने कुछ नया नहीं पढ़ा है आ, ये हम रिवीजन कर रहे थे एक तरीके से कार्बो क्या होता है क्या होता है कार्बो के टायन? ये जान रहे थे हम लाइव ऋतुराज लाइव करो लाइव और वो करते रहो साइड साइड में थोड़ा थोड़ा इसके बाद मौका नहीं मिलेगा लाइव आने का हाँ जीओसी वाला है चलिए अभी हमने यह समझा है कार्बो होता क्या है कार्बो होता क्या है हमने यह समझा है और अब हम यस यस सौरभ यू आर राइट यस सौरव यू आर राइट अब हम क्या करेंगे केटायन बनाने का प्रयास आओ केटाइन बनाकर खुशियां मनाएं। जैसा कि मैंने पहले आपसे प्रॉमिस किया था सीक्वेंस बताया था जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। मेरी बात को ध्यान से सुनो कई बेहतरीन बातें आज आपको पता चलेंगी जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन जो है कैसे बनेगा ध्यान से सुने सारे लोग देखिएगा बिल्कुल टेंशन नहीं पहला पॉइंट है बाय हैट्रोलिसिस ऑफ ए कोवालेंट बॉन्ड बाय हैट्रोलिसिस ऑफ ए कोवालेंट बॉन्ड सारे लोग देखिए हेट्रोलिसिस ऑफ ए को बैलेंट बॉन्ड ध्यान से सुने ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग सारे लोग देखेंगे एलजी एल जी बोले तो लिविंग ग्रुप सही है ऑनहेट्रोलिस on hydrolysis gives carbocation gives carbocation as a intermediate sare log dekhiye sare chook na ho jaye kahin ये देखिए मैंने आपको दिया ये आर ये एक्स मेरे भाई सच बताना सच के सिवा कुछ ना बताना ये आर एक्स है और एक्स मतलब एक्स क्या होगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन मेरे भाई बॉन्ड हो या फिर समझ गए टूट जाता है मेरे भाई ये एक्स बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन समेट कर आयर आर को छोड़कर चला जाए तो क्या आर प्लस एंड एक्स माइनस बनेगा या नहीं तो क्या एक्स छोड़कर जाने वाला होता है या नहीं चला रहे तो बहुत आसान है एक्स मींस जो छोड़कर चला जाए हमेशा हमेशा के लिए फिलहाल ऑर्गेनिक में एक्स मींस हेलोजन और एक्स को हम यहां लिविंग ग्रुप बोल रहे हैं अबे लिविंग ग्रुप नहीं है गधे लिविंग ग्रुप हा एक्स जो है वो छोड़कर जा रहा है तुम लोग कहीं किसी दूसरी दिशा में न सोचने लगो इसलिए मैं मजबूरन यहां एल लिख देता हूं एल मतलब लिविंग ग्रुप सही बात है या नहीं नवजोत कह रही है अपने आप क्यों छोड़ेगा तुम लोग बेटा इतने बेवकूफ प्राणी हो ये वही बात है कि नौनी रजनीश नौनीत जो भी है इनका जब ब्याह चल रहा होगा ना तो ये मंत्रोच्चारण पर ध्यान नहीं देंगे रीति रिवाज रस्मों पर ध्यान नहीं देंगे ये बुलाएंगे अरे फूफा सुनो उधर देखो लाइट बुझ रही है लाइटिंग कम हो रही है जल्दी जा अबे बेवकूफ फंक्शन है तुम्हारा ब्याह है उसे एंजॉय करो लेफ्ट राइट क्या नजर मार रहे हो तब बताएंगे लेकिन पहले वो समझ लो जो बताया जा रहा है पहले वो समझ लो जो बताया जा रहा है समझ तो में कह रहा ये अपने आप का हेड टूट जाएगा अरे डैश कहीं के हेट्रोलिसिस लिखा है ना हेट्रोलिसिस की कंडीशन में ही हेट्रोलिसिस होगा हेट्रोलिसिस जानते हो बॉन्ड कब टूटती आयंस में आइए मेरे भाई पहले वो सुनो जो समझाना चाह रहा हूं बीच में लपे तुमने आइए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए मेरे भाई आर प्लस एल जी माइनस मैं जो बोलूंगा वो ध्यान से सुनो यहां हम एक्चुअली एक चीज सीखना चाहते हैं वो ये सीखना चाहते हैं कि हम ये कैसे पहचाने पीछे लगेरा सर कसम से ये सिखा दो कि लीविंग टेंडेंसी किसी के अंदर है ये कैसे पहचाने मतलब यह चीज सिखा दो तो जीवन सफल हो जाए देखते ही हम बता दें कि यह लीव करके जाएगा यह बहुत जल्दी चला जाएगा और अगर आप यह सीख गए कि लिविंग टेंडेंसी कैसे देखी जाती है तो आपका जीवन बेहतर हो जाएगा मेरे भाई आइए मैं आपको यहां सिखाने जा रहा हूं कि हाउ कैन वी कंपेयर लिविंग टेंडेंसी लिविंग टेंडेंसी दारे देखो को सारे मुझे बताओ एक अच्छा लिविंग ग्रुप एक अच्छा लिविंग ग्रुप क्या रिएक्शन को छोड़ के चला जाएगा या नहीं आई I मीन mean, रिएक्टेंट से अलग हो जाएगा या नहीं एक अच्छे लिविंग ग्रुप के लिए तुम क्या मानते हो ये रिएक्शन आगे ज्यादा रहेगी या पीछे ज्यादा रहेगी एक अच्छे लिविंग ग्रुप में क्या यह रिएक्शन आगे ज्यादा जाएगी या नहीं आगे ज्यादा जाएगी जितनी आगे ज्यादा जाएगी उतनी ज्यादा लिविंग टेंडेंसी जबरदस्त पीछे वाला कह रहा वो तो ठीक है लेकिन कोई रिएक्शन आगे तभी जाती है जब आगे स्टेबल चीजें बने लो जी भैया हो गया बात लिविंग टेंडेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल जी माइनस स्टेबिलिटी ऑफ एल जी माइनस ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी आगे और स्टेबल और आगे एंड उतनी ज्यादा पीछे रख कहना क्या चाहते हैं आप कि वो हटकर दूर जाकर और ज्यादा स्टेबल हो गया यस व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू लिविंग ग्रुप्स हम इस तरीके से पता लगा पाएंगे कि कौन अच्छा लिविंग टेंडेंसी रखता है क्या तुम्हें याद है एल पर माइनस होगा और माइनस को विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं मेरे भाई एक बच्चा कह रहा है कि वैसे तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर भी डिपेंड करेगा बिल्कुल करेगा अगर कैटायन बढ़िया बन रहा है तो खटाक से निकलेगा कटैक्स और केटायन को डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं मेरे भाई सच बताना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो रिएक्शन गई आगे आगे गई या नहीं गई अब खच्चर लोग ये पूछेंगे ईडब्ल्यू जी क्या है सुनते नहीं है जबकि तीन बार बोल चुका हूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पता नहीं कहां से डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ध्यान से सुनो मुझे एक बात बताओ एक अच्छा लिविंग ग्रुप ज्यादा लिविंग टेंडेंसी वाला क्या छोड़कर चला जाएगा और जाएगा यहां पर स्टेबल रहेगा मुझे एक बात बताओ अगर ये स्टेबल है ये सबको बताना है अगर ये स्टेबल है तो इसका माइनस कम होगा या ज्यादा होगा इसका माइनस चार्ज कम होगा या ज्यादा होगा माइनस चार्ज सारे लोग बताना सारे आपके जवाब में आपके जवाब के इंतजार में एक अच्छे लिविंग रुप में यह स्टेबल होगा तो इसका माइनस कम होगा डन कम एक खच्चर लिख रहा है ज्यादा होगा अगर चार्ज कभी ज्यादा होता है किसी चीज पर तो उस चीज को अनस्टेबल करता है वैसे भी सोचो बेवकूफ प्राणी अगर माइनस प्लस ज्यादा हो गए तो जुड़ के इधर आ जाएंगे हमें तो उधर जाने की बात हो रही है तो इधर चार्ज होंगे कम ताकि आपस में ना जुड़े इसीलिए मेरे भाई जब माइनस चार्ज कम होगा तो हम इसे बोलते हैं वो वीक बेस की तरह बिहेव करेगा इसीलिए बुक्स में लाइन लिखी होती है वीक बेस बेटर लिविंग ग्रुप जितना वीक बेस उतना अच्छा लिविंग ग्रुप सुन लो वीक बेस का मतलब स्टेबल चीज क्योंकि नेगेटिव चार्ज कम कम मतलब स्टेबल ओके सो आपको अलग अलग लिविंग ग्रुप अगर मिलेंगे तो आप उन सारे लिविंग रूप की स्टेबिलिटी निकालिएगा और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी उतनी ज्यादा लिविंग टेंडेंसी होगी तो मेरे भाई अभी अभी, अभी आपने लिविंग टेंडेंसी फंडे को समझा देखा सीखा जाना तो कुछ क्वेश्चन इसी बात पे हम करने जा रहे हैं आ, ओके ये है अरेंज अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिविंग टेंडेंसी लिविंग टेंडेंसी तैयार हैं आप चलो जी ये एस सी एस थ्री ओ माइनस ये एस सी एस थ्री पी ओ ओ माइनस ये एस सी एस थ्री एस डबल बॉन्डो ओ ओ माइनस एंड ये है एफ थ्री सी एस ओ ओ माइनस बताओ जल्दी से ये चार लिविंग ग्रुप हैं मुझे जवाब चाहिए आपके जवाब के इंतजार हैं जल्दी बताइए जल्दी ओके अभिषेक जल्दी बोलो जल्दी जवाब आ रहा है आपको माइनस की स्टेबिलिटी चेक करनी है। चेक करें माइनस की स्टेबिलिटी माइनस की स्टेबिलिटी चेक करो भाई कर लिया क्या माइनस की स्टेबिलिटी चेक माइनस जितना कम होगा उतना ज्यादा स्टेबलाइज होगा मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर बहुत क्लियरली फोर थ्री टू वन है क्योंकि देखो जरा यहां पर जीरो आर एस यहां दो आर एस रेजोनेंस कर रहा है यहां तीन आर एस यहां भी तीन आर एस इधर भी रेजोनेंस करेगा इधर भी करेगा एंड सी एफ थ्री का माइनस आई माइनस आई ऑफ सी एफ थ्री तो ये ज्यादा स्टेबल हो रहा देखो सही है भाई चले आगे मेरे भाई कुछ मजेदार चीज है कुछ मजेदार चीज है मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से देखें आइए सुनिए फोर थ्री टू वन में वन जो है वो बैड एल है आप बहुत कम रिएक्शन पाओगे जिसमें ओसी निकल रहा हो चलिए कुछ बातें ध्यान से सुने इतना जो आपको दिख रहा है इतना इसे हम बोलते हैं एसीटाइल और इन शॉर्ट हम एसी लिखते हैं और इस पूरे को फिर हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं एसी ओ माइनस पूरे को पूरे को एंड नाम हो जाएगा पूरे का एसीटेट आयन इतना सेगमेंट जो था वो था एसीटाइल है ना ऐसे ही यहां आते हैं ये जो सेगमेंट है ये है आपका मेसिटिल एम एस तो आप देखिए ये पूरा हो गया एम एस ओ माइनस मिसाइलेट आयन मेरे भाई ऐसे ही ये हो गया फटिल टी एफ एंड इस पूरी चीज को सॉल्ट में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है टी एफ ओ माइनस प्रिफलेट आयन ट्रिफलेट आयन ट्रिफलेट आयन देख लें आप एंड सेम फंडे पर आधारित ये प्रश्न है देखिए जरा देखेंगे तो समझ में आएगा ये है एस ओ ओ माइनस देखा आपने और ये है सी एस थ्री ठीक है देखो मगर बोर्ड पर देख रहे हैं क्या तो बोर्ड पर भी देखिए आइए मेरे भाई ये यहां पर आया बी आर और ये आया यहां एनोटो जवाब दो चलो जवाब दो जवाब पहले बताओ इसमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है सबसे अच्छा लिविंग रूप कौन सा है बताइए ओके सो ऑर्डर आई थिंक बहुत क्लियर है ऑर्डर फिर से आ गया भाई फोर थ्री टू वन सही है या नहीं बताइए फोर थ्री टू वन वही आएगा भाई क्योंकि अगर आप देखो एनओ खींचता है माइनस एम एंड माइनस आई बी आर खींचता है माइनस आई एंड सीएस दे रहा है प्लस एच से सी दे रहा है प्लस एच से तो मेरे भाई फोर थ्री टू वन इज अ क्लियर कट आंसर कोई इश्यू नहीं है इसके साथ चलिए मुझे एक चीज बता दो सेम उसी तरीके से यहां पर भी कुछ है आपके लिए ये जो चीज है इसे बोलते हैं टोसाइल और ये है टीएस अब इस पूरे को टॉर्ट में लिखते हैं टीएसओ माइनस नाम है टोसाइलेट आयन सिमिलियरली ये जो है इसे बोलते हैं ब्रोसाइल बी एस एंड इस पूरे को लिखते हैं बी एस ओ माइनस ब्रोसाइलेट आयन मेरे भाई आगे क्वेश्चन में ओटीएस लिख कर आएगा ओटीएस तो आपको समझना पड़ेगा कि ओटीएस ये पूरा है एंड सिमिलरली इसे देखें ये है नोसाइल एन एस एंड पूरा हो गया O माइनस नोसाइलेट आयन मेरे भाई ये बहुत पॉपुलर हैं आयुत कह रहा है इनको लर्न करना है दिमाग में वैसे ही वाला नोसाइल ब्रोमीन वाला ब्रोसाइल टोलिन वाला टोसाइल और कैसे हैं समझ के तो तुम्हें याद यार दुनिया में हर चीज याद ही रखनी पड़ती है लेकिन समझ के याद रखो उसे बोलते हैं कि हाँ भैया लॉजिक है चलिए दो एग्जाम्पल हुए मुझे बताओ ये देखो थर्ड एग्जाम्पल अगर मैं दू आई माइनस बी आर माइनस पीएल माइनस एफ माइनस बताओ लिविंग रूपेबिलिटी लिविंग रूप एवेलिटी बताओ वही लिविंग टेंडेंसी लिविंग टेंडेंसी बतानी पड़ेगी यस प्रत्यूस यू आर राइट यू आर राइट प्रत्यूस ये सेकेंड एग्जाम्पल था फर्स्ट उधर था जवाब बहुत सही है आपका वन टू थ्री फोर ये सबसे ज्यादा स्टेबल है आई बहुत स्टेबल है यस यू आर राइट चार्ज डिस्पर्जन बधाई हो फोर्थ तो घर से कर लीजिएगा मेरे भाई मैं आपको बता दूं एंड टू एंड ओ टी एफ आर कंसीडर्ड एज सुपर लिविंग ग्रुप इन्हें सुपर लिविंग ग्रुप माना जाता है कंसिडर्ड एज सुपर लिविंग ग्रुप बधाई हो दो एग्जाम्पल के बाद कुछ चीजें मैं पूछना चाहता हूं स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड बिल्कुल टेंशन मत लेना बहुत आप लोग मुझे जो बोलेंगे सच बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे ये एल्कोहल तोड़ दिया हमने चला गा पाप हो गया आपके हाथ से एल्कोहल कोई तोड़ता है भला अरे एल्कोहल कोई छोड़ता नहीं है आपने तोड़ दिया मेरे भाई मुझे बता दो क्या एल्कोहल थर्ड और फोर्थ दोनों में एल्कोहल तोड़ा गया है आप मुझे बताओ कौन से तरीके से आप एल्कोहल तोड़ते हैं कौन से तरीके से आप एल्कोहल तोड़ते हैं? आपके जवाब के, के इंतजार में नहीं बताओगे क्या तुम लोग एक कह रहा दोनों से तोड़ते हैं, एक कह रहा थर्ड से तोड़ते हैं। एक ने बड़ा अच्छा लिखा है थर्ड बिकॉज ओ एच माइनस इज ए बेटर लिविंग ग्रुप अगर इससे ये पूछ लो कि इसने ये डिसाइड कैसे किया कि ओ एच इज ए बेटर लिविंग ग्रुप तो जवाब नहीं है इसके पास लेकिन बस बोल दिया मेरे भाई जानकर तुम्हें आश्चर्य होगा जानकर तुम्हें आश्चर्य होगा कि ये सारे मेथड्स गलत लिखे हैं। ये कभी ऑर्गेनिक में ऐसे टूटेगा ही नहीं ये ऑर्गेनिक में कभी ऐसे नहीं टूटेगा ये ऑर्गेनिक में, में कभी भी ऐसे नहीं टूटेगा आया चलो एक बात बताओ क्या यहां एक बात लिखी हुई है या नहीं पढ़ो सारे लोग वीक बेस बेटर लिविंग ग्रुप एक बात क्या तुमने नोटिस किया लिविंग ग्रुप वो बहुत बढ़िया है जिसमें माइनस चार्ज स्टेबलाइज्ड हो रहा है कहीं ना कहीं रेजोनेंस करके या डिस्पर्स होके क्या ये बात आप नोटिस कर पा रहे हैं क्या ये बात आप नोटिस कर पा रहे हैं जबकि अकल से पैदल खच्चर सारे ध्यान दें यहां माइनस कहीं नहीं जा रहा है यही मौजूद है और ये सब स्ट्रांग बेस है ये सब स्ट्रांग बेस है एंड स्ट्रांग बेस मतलब ज्यादा नेगेटिव चार्ज ज्यादा चार्ज रिएक्शन करके वापस इधर आ जाएगी रिएक्शन इसलिए मेरे भाई दे आर नॉट लिविंग ग्रुप दे आर नॉट लिविंग ग्रुप हा या ना तो मेरे भाई अब पीछे अब क्या करें हमें ये बॉन्ड तोड़नी है कुछ भी करो तोड़ना है एल्कोहल को कैसे तोड़े अरे प्रॉब्लम पता है समाधान आ गया ये स्ट्रांग बेस है क्यों स्ट्रांग बेस क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक मिनट अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को चुरा लें या शेयर कर लें तो ये वीक बेस बन जाएगा ये वीक बेस बन जाएगा सारे देखो बोर्ड पर एल्कोहल को लिविंग ग्रुप बनाने के लिए पूरी केमिस्ट्री में या तो एजेंट प्रोटॉन बुला लो एजेंट प्रोटॉन अरे एजेंट ऐसे ही बोल लो एच प्लस ये इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता शेयर करने का काम करता आएगा ऑक्सीजन को कहेगा गिम्मी लोन पेयर और ऑक्सीजन इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा इलेक्ट्रॉन देने के बाद ऑक्सीजन अपना प्लस हटाने के लिए आर को छोड़कर चला जाएगा यह बन गया है एंड एच टू एक वीक बेस एंड वीक बेस बेटर लिविंग ग्रुप वीक बेस, बेटर लिविंग ये देख लो ये पूरी केमिस्ट्री में आपको ऐसा ही देखे या फिर एक काम करते हैं ये रिएक्शन तुम वैसे डिटेल में आगे सीखोगे जैसे मैंने टोसाइल क्लोराइड ले लिया टोसाइल आप जानते हो टोसाइल मैंने अभी पीछे बताया था एंड सीएल उसमें लगा दिया तो हो गया टोसाइल क्लोराइड ये रिएक्शन तुम आगे पढ़ोगे आर ओ एच और टी एस सी एल जब रिएक्ट करते हैं तो एस सी एल रिलीज होता है और मेरे भाई आपको क्या मिल गया आर ओ टी एस साइलेट, तो साइलेट बढ़िया लिविंग ग्रुप है तो साइलेट बढ़िया लिविंग ग्रुप है अब ये उपयुक्त परिस्थितियों में टूट जाएगा मेरे भाई तुम ब्रोसाइल क्लोराइड नोसाइल क्लोराइड प्रफ्टिल क्लोराइड एसिट, एसिटाइल क्लोराइड कुछ भी ला सकते हो वेरी गुड दानिश का सम्मान करो दानिश का सम्मान कोई कमी नहीं होनी चाहिए दानिश पूछ रहे हैं ये टोसाइल क्या है पीछे मैंने पीछे मैंने अभी अभी देखी ये बोला ना टीएस तुम्हें चीज छह मिनट नहीं याद रही और तुम दस महीने बाद जाके आईआईटी के पेपर में तोप चलाओगे हाँ? बिल्कुल भैया कमी नहीं रखना बहुत सारा संबंध अभी अभी टोसाइल तो पढ़ाया और इसने कहा कि हम तो चलिए आ जाइए वापस आ जाइए मेरे भाई इस तरीके से आप आप यहां और टी एस सी एल बी एस सी एल एन एस से कुछ भी ले सकते हैं आप ठीक है मेरे भाई ईथर देखो ईथर भी नहीं तोड़ सकते थे पांचवी रिएक्शन ईथर को भी हम एजेंट प्रोटॉन से तोड़ सकते हैं लोकैट लुक लोकेट एलेवेंथ सारे लोग देखे ट्वेल्थ भी देखे इथर वाला जो है आप करिएगा H+ प्लस डाल के जैसे वाटर में डाला मेरे भाई एमीन एमीन पे H+ प्लस डालते हैं लेकिन ये बहुत अच्छा मेथड नहीं माना जाता क्योंकि देखो अमोनिया जो है ना वो ठीक ठीक बेसिक होता है इतना भी वीक बेस नहीं इतना भी वीक बेस नहीं कि इसे हम बहुत अच्छा लिविंग रूप मान लें तो ये आप बहुत कम जगहों पर देखोगे कि अमोनिया लिविंग ग्रुप के फॉर्म में दिख रहा है उसकी जगह एक काम और किया जाता है टोसाइल तो क्लोराइड दो इक्विवेलेंट ले लो दो एस निकल जाएंगे और बन जाएगा आर एनटीएस टू एस एन टू को विचार करना तगड़ा लिविंग ग्रुप लगेगा ये भी दो 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 तो टोसाइल पे दो दो टोसाइल तो इस पे मेरे भाई ये देखिए एक रिएक्शन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम उसमें NH2 को लिविंग रूप बनाने का जबरदस्त तरीका होगा इसमें हम एरो पर डालते हैं एनएनओ या HNO2 या NOCL एंड ये रिएक्शन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अभी बस लिखना है जैसे एन एच टू साफ सुपर लिविंग ग्रुप बन जाता सुपर लिविंग ग्रुप एन टू प्लस तो आप अभी अभी सीख रहे थे कि हम लिविंग ग्रुप जो है वो कैसे पहचानते हैं कैसे बनाते हैं और अच्छा लिविंग ग्रुप में क्या क्या खासियत होनी चाहिए ये सारी बातें हमने यहां सीखी जानी समझी सही है या नहीं ये हमने अभी अभी यहां सीखा हा डायजोटाइजेशन बोलते हैं उस लास्ट वाले को तो इसे हम करेंगे तो भाई पहला मेथड केडाइन बनाने का हो गया अगला मेथड जो है वो है बाय इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन एलकीन क्या तुम लोगों को याद है यह न्यूक्लियोफिलिक होता है एलकीन न्यूक्लियोफाइल था एलकीन न्यूक्लियोफाइल था।, था और उस पर एडिशन किसका होगा एलक् प्रोफाइल का चलो जल्दी से मुझे बताओ होमवर्क में क्या था होमवर्क में क्या था जल्दी बोलो जल्दी कौन सी सीट डिस्कस करनी थी सीट का नाम बताओ सीट का नाम बताओ स्टीरियो एक्सरसाइज टू मेरे भाई जिसने नहीं किया है बिल्कुल मत पूछना जिसने नहीं किया बिल्कुल मत पूछना समझ में आया या नहीं आओ हर्से तो अच्छी बात है लेकिन आपको कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी होता है चाहिए होता है आप बताइए वन टू फाइव वन टू फाइव हां तुषार वो भी करेंगे वन टू फाइव मेरे भाई देखिए सी फाइव एच टेन ओ सी फाइव एच टेन ओ इसका डबल बॉन्ड इक्की वैलेंट जो है वन है और हमें बनाने हैं एल्डिहाइड और कीटोन एल्डिहाइड मतलब सी एच ओ एंड कीटोन मतलब सी डबल बॉन्ड ओ तो अगर हम एल्डिहाइड बनाएं तो एल्डिहाइड आपको चार मिलेंगे एक यहां एल लगा दो एक यहां एल लगा दो एक यहां लगा दो एक यहां लगा दो लेकिन तुम खच्चर हो यहां आपने देखा ये सेंटर काइरल है तो ये दो बनेंगे ये एक और ये एक तो टोटल पांच एल आएंगे तो तुम्हें जब टोटल पूछा जा रहा है तो टोटल बताना पड़ेगा इसके एनएंसियो बनेंगे रही बात कीटोन की तो कीटोन आपका पांच की चेन में दो बनेगा और चार की चेन में एक बनेगा यहां आप काउंटिंग कर लीजिए कोई स्टीरियो नहीं हो रहा है तो तीन कीटोन वन टू फाइव हरिओम आपको डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी मैं नहीं ले सकता नॉन सुपर इंपोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज वो एनएनसी उमर की बात कर रहा है आप जाकर डेफिनेशन पढ़िए थर्ड का बी ये क्वेश्चन हमारी कॉपी में भी है मेरे भाई ये काइरल सेंटर है और यहां ज्योमेटिकल होगा जरा ध्यान से देखें देखा आपने यहां ऑप्टिकल यहां ज्योमेटिकल यहां ऑप्टिकल बीच वाली बॉन्ड को मैंने सिस मान लिया बीच वाली बॉन्ड ट्रांस भी हो सकती है। किनारे वाले अब आपके आर भी हो सकते हैं एक एस भी हो सकता है आधे केस बना लिए मैंने मेरे भाई इसमें सिमेट्री नहीं है तो इसकी मिरर इमेज और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है सिमिलियरली इसमें सिमेट्री नहीं है एंड इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो इसके छ आइसोमर आएंगे ये देखिए दोनों आर एक इमेज आएगी जिसमें दोनों एस होंगे दोनों आर ट्रांस के साथ फिर दोनों एस होंगे ट्रांस में और ये आपके जोमेटिकल आइसोमर्स। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आपका आया होगा ए इसके छह हैं उसका चार पांच से दस रौनक कर लेंगे पांच से दस पांच से दस पांच से दस पांच से दस पांच से दस, दस। आइए नॉन जॉल्वेबल का मतलब होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव नॉन रिजॉल्वेबल कौन सा है इसमें सिमेट्री है ये नॉन रिजॉल्वेबल है यहां सिमेट्री नहीं है ये रिजोलबल है यहां सिमेट्री है ये नॉन रिजोल्लेबल है एंड ये, ये आपका यहां सिमेट्री नहीं है ये नॉन रिजॉल्लेबल दो आ गए एर्थ से ज्यादा पूछा जा रहा है मीजो कंपाउंड हैज आइदर प्लेन ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री और बोथ व्हाट अबाउट एसएन एसएन ये इनकरेक्ट है ये कह रहा है मीजो कंपाउंड में या तो ये हो या ये हो या दोनों हो हो सकता है ये दोनों ना हो तो भी मीजो हो सकता है सारे लोग मेरी बात सुनो हो सकता है ये दोनों ना हो तो भी मीजो हो जाए एस एन होता है ना भाई साहब एस एन नीरज ने एक बात बोली है तो नीरज का थोड़ा सम्मान बनता है नीरज ने कहा है यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री नीरज खच्चर ये परपेंडिकुलर है ये ऐसे होते हैं और अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है दस से पंद्रह दस से पंद्रह टेंथ मेरे भाई नॉन रिजोल्लेबल मतलब अलग ना किया जा सके ऑप्टिकली इन तो नॉन रिजोल्लेबल है ऑप्टिकली इनएक्टिव है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है नॉन रिजॉल्वेबल ये इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है मिथाइल मिथाइल नॉन रिजॉल्वेबल मेरे भाई आपको पता है नाइट्रोजन लोन पेयर के साथ फ्लिपिंग करता है इसलिए यह भी नॉन रिजोल्वेबल आप अलग नहीं कर सकते यह भी नॉन रिजॉल्वेबल केवल फॉस्फोरस का सरफेस एरिया बड़ा होता है इसलिए फ्लिपिंग नहीं करता और ये ऐसा ही रहता एक्टिव 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 फॉर्म तो रिजोलबल रिजोलबल 11 से 15 11 से 15 आइए मेरे भाई इस क्वेश्चन में आपको आर एस निकालना है तो आप ध्यान से देख सकते हैं मतलब किसमें डाउट आ रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा ये ओ एच ये एच ये सी एस थ्री ये सी डबल एच पहली बात देखो इसका ये एनएच टू से डिसाइड होगा तो एल वाले तो गलत हैं एल वाले तो गलत हैं दोनों अपोजिट हैं तो ये थ्री ओ है तो सी तो आंसर आई गया ये दोनों अपोजिट हैं तो थ्री हो गया डी हो गया अब बात करते हैं इस वाले को चेक करते हैं आर एंड एस चेक कर लो वन टू ये आया आपका आर ये वन टू ये दोनों आंसर हैं इसके सी एंड डी सीवानस बेटा इंसान बनो इतना बताने के बाद भी खच्चरपंथी की इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है अब मैं क्या करके दिखाऊं इसमें इसमें आगे लाओ स्लाइस काट दो पंद्रह से बीस पंद्रह से बीस पंद्रह से बीस पंद्रह से बीस मेरे भाई ये कंफर्मेशन है और अगर आपने नोटिस किया हो तो ये वर्टिकल वाली लाइन जो थी ये एक्सियल थी और ये वाली लाइन इक्वेटोरियल थी तो इन्हें आप ध्यान से देखें तो ये है एक्सियल और ये है इक्वेटोरियल जबकि ये दोनों इक्वेटोरियल है अगर आप यहां आए ये तो इक्लिप्स बोट है बोट याद आया बोट है तो सबसे खराब आर है है ना और सबसे बढ़िया क्यू है क्यू कंफर्मेशन कंफर्मेशन फिफ्टींथ का बी यस रॉन्ग है यू आर राइट यू आर राइट यार यहां सीएल कर लो दोस्त यहां सीएल कर लो सीएल कर लेंगे सीएल कर लो यहां फोर्टींथ कैराडाइज स्टूडियो मर मेरे भाई जरा ध्यान से देखो डॉट बिल्कुल सेम है या नहीं डॉट बिल्कुल सेम है सर्कल पर देखो मिथाइल क्लोरीन क्लॉकवाइज थे और यहां सर्कल पर मिथाइल क्लोरीन एंटी क्लॉकवाइज यानी कि डॉट का कंफिगुरेशन सेम है सर्कल का कंफिगुरेशन पलटा हुआ है तो ये ना तो आइडेंटिकल हैं और ना ही मिरर इमेज है डायस्टीरियोमर। भाई दो काइरल सेंटर में एक सेंटर का कंफिगुरेशन बिल्कुल सेम है एक सेंटर का कंफिगुरेशन बिल्कुल सेम है। और एक का बदल रहा है तो अपने आप वो डायस्टीरियोमर हो गया बीस से पहले पंद्रह से बीस पंद्रह से बीस कौशल क्या डाउट है तुम्हें उसमें तुम इतने गए गुजरे हो तुम्हें एक एक्सचेंज नहीं दिख रहा है। ये एनएनसी मर है तुम लोगों ने क्या थ्योरी कॉपी बेच खाई है क्या आप? मतलब ये पूछने की नौबत आ गई तुम्हारी पढ़ाई कचरा चल रही है फिर अब एक खच्चा लिख रहा है सोलह का बी अब बेवकूफ किस ऑप्शन में मैच कराने में दिक्कत आ रही है ए पेयर ऑफ मेटामर यह दिख रहा है टोटोमेरिज्मिज्म में यहां कार्बन का शायद कुछ इश्यू है नहीं यहां होल्डवाइस लिख लो एक दो तीन चार पांच एक दो एक तीन चार पांच ठीक है बस यहां होल्ड ट्वाइस कर लो बाकी सब ठीक है यहां होल्डवाइस कर लो बाकी सब ठीक है पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है रौनक ये ये मीजो है टार्टरिक एसिड ये तो टार्टरिक एसिड है दोनों ये मीजो है ये एक्टिव है ये इनएक्टिव ये एक्टिव ये तुम्हें ऑप्टिकल आइज सुमर समझ में नहीं आ रहा ओके काइरल सेंटर तो गिनने हैं बस उत्कर्ष को अठारह में भी दिक्कत है सेंटर गिन लो बेटा वही एसपी थ्री चार अलग क्या ही बता दूं मैं इसमें आंसर देख लो आंसर में भी बने हुए हैं यहां भी कायरल सेंटर है ब्रोमो क्लोरो आयडो प्रोपडाइन टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स तो भाई प्रोपडाइन ये देख लो अगर आप इसके आइसोमर्स बनाओगे तो चार चीजें हैं ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन, आयोडीन तो यहां लगाया ब्रोमीन यहां के लिए कितनी च्वाइसेस हैं? मैं क्लोरीन लगा सकता हूं फ्लोरीन लगा सकता हूं आयोडीन लगा सकता हूं तो बताइए हर केस में जो आइसोमर बनेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा वो कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज जैसे मान लो तुमने क्लोरीन यहां लगाया तो फ्लोरीन और आयोडीन यहां लगेगा अब ये परपेंडिकुलर है तो इसमें सिमेट्री नहीं है दिस प्लस मिरर इमेज यहां तुम फ्लोरीन लगा लो उसकी मिरर इमेज तुम यहां आयोडीन लगा लो प्लस उसकी मिरर इमेज इस तरीके से नहीं नाम नहीं याद करना है केवल कायरल सेंटर निकालना है इक्कीस से पच्चीस इक्कीस से पच्चीस इक्कीस से पच्चीस जल्दी बोलो जी इक्कीस से पच्चीस इक्कीस से पच्चीस चलिए ऐसे 25 तक ही रखते हैं ट्वेंटी फाइव तक बाकी अगली क्लास में कर लेंगे अगली क्लास में हम ट्वेंटी फाइव ऑनवर्ड्स करेंगे डिस्कस ओके आज के लिए इतना ही टाटा बाय टेक केयर